हेलो एवरीवन, हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रिक्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्लास 11th हिस्ट्री की जो MCQ सीरीज है वो आपको पूरी करवा दी है। फर्स्ट टर्म के जितने भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उसके सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आप हमारे चैनल्स पे जाके वो MCQ सीरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है हमारे जो फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स आएंगे उसके चित्र पर आधारित प्रश्न। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये जो चित्र पर आधारित प्रश्न हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और एग्ज़ाम में एक या दो ऐसे प्रश्न ज़रूर आते हैं जिसमें आपको चित्र दे दिया जाएगा और वो आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो आप चित्र पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा जो भी फर्स्ट टर्म के हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे NCERT बुक्स के जो भी चित्र वगैरह हैं उसके क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगी, ताकि आप चित्र वगैरह को अच्छे तरीके से पहचान लो, उनके बारे में जान लो, ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सको। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मिल जाए। इससे पहले अगर आपको हमारे पुराने वीडियोस देखने हैं, हिस्ट्री के देखने हैं, पॉलिटिकल साइंस के देखने हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक है। तो ठीक है बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक चित्र दे दिया गया है, ठीक है। आपने देखा होगा ये चित्र आपकी NCERT की बुक में है, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसमें, ठीक है। देखो, आपने पहचान लिया होगा कि ये जो चित्र है इसमें क्या आपको एक पत्थर दिखाया गया है और उसके ऊपर कुछ चीज़ें अंकित हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इन पत्थरों में क्या दर्शाया गया है? ए, कीलाकार लिपि, बी, देवनागरी लिपि, सी, गुरुमुखी लिपि, या फिर डी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं बनाया करते थे और उसके ऊपर वो लिखा करते थे। यहीं से लेखन कला की शुरुआत मानी जाती है। वो लोग चिकनी मिट्टी पर पट्टिकाएं बनाकर और उसके ऊपर खोद करके लिखा करते थे। बाद में उन पट्टिकाओं को सुखा दिया करते थे, जिसकी वजह से जो लिखा हुआ है वो कठोर हो जाता था, जिसको मिटाना बिल्कुल मुश्किल होता था, ठीक है। तो ये वही कीलाकार लिपि है जो मेसोपोटामिया में चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी। यहाँ आपने देखा होगा ये कुछ लिखा गया है और यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि मैथमेटिकल साइंस में कुछ गणित का जो है अध्ययन, गणित का जो अभ्यास है वो किया गया है, ठीक है। तो इस पट्टिका से हमें इसके बारे में पता चलता है, ये है मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है यहाँ पे। इसको क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। कीलाकार लिपि या फिर क्यूनिफॉर्म लिपि, ये मेसोपोटामिया की लिपि है जो इन पत्थरों पर हमें दिखाई गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यह आकृति किस प्रकार की है, ठीक है। ऑप्शन ए है रोम के पत्थर, एक प्रकार की धातु, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे, या फिर एक प्रकार का तख्ता। इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपके मेसोपोटामिया की जो मोहरे हैं, ठीक है। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5 प्रकार की आपको मोहरे दिखाई गई हैं, मोहरों की छाप दिखाई गई हैं जो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी, ठीक है। आप इन मोहरों को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर छापे पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ जानवर और कुछ आकृतियां छपी हुई दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मोहरे होती हैं इनका प्रचलन था मेसोपोटामिया में, ठीक है। इनको उसी तरीके से जो हमने कीलाकार लिपि पढ़ा था उसी तरीके से इनको बनाया जाता था। गीली जो मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी की पट्टिका बनाकर उसके ऊपर तीली से ये चीज़ें बनाई जाती थी। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत बारीकी तरीके से ये चित्र बनाए गए हैं और इन मोहरों का यूज़ मेसोपोटामिया में किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों देखो, आपको एक चित्र दिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा, इस आकृति में क्या दिखाया गया है तथा यह किससे संबंधित है? तो आप ध्यान से देखो ये चित्र को, ये उसी मोहरों की छाप है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा। इससे पहले जिस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो मोहरे होती थी मेसोपोटामिया की उसके ऊपर छापे हुआ करते थे। अभी जो मैंने आपको 5 प्रकार की मोहरे दिखाई उनमें जिन छापों की बात हो रही थी उन्हीं में से किसी एक मोहर की ये छाप है, ठीक है। इन मोहरों से वहाँ के समाज के बारे में पता चलता है, ठीक है। आप ध्यान से आप इस चित्र को देखोगे जो उस मोहरे पे छापे गए थे, तो इसमें देखो वहाँ के समाज के बारे में पता चलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1
टू और ये तीन, ये तीन आदमी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये युद्ध बंदी होंगे, जिनको जो युद्ध में जिनको बंदी बना के लाया गया होगा दासों की तरह काम करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ये व्यक्ति दिखाए गए हैं जो युद्ध बंदी थे, और एक चौथा ये वाला व्यक्ति है जो अपने मालिक से यानी कि इससे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है, या फिर जो भी है अपना हाथ फैलाकर जो भी मांग रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के छापे हमें वहाँ की मोहरों पे, वहाँ की बेलनाकार मोहरों पे देखने को मिलती हैं मेसोपोटामिया में। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि इस आकृति में क्या दिखाया गया है तथा यह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पे गाँव के लोगों को दिखाया गया है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर है नगरों के लोगों को, ये भी गलत हो जाएगा। सी है युद्ध बंदी तथा दासों को, ये बिल्कुल हमारा राइट है, और व्यापारियों को, ये भी गलत है। आपको साफ दिखाई दे गया है इसमें तीन व्यक्ति हैं जो युद्ध बंदियों की तरह हाथ बांध करके खड़े हैं। ठीक है, और एक हाथ जोड़कर अपने मालिक से भीख मांग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के छापे हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी आपको एक चित्र दिया गया है और आपको इस चित्र को पहचानना है। क्वेश्चन है हमारा, यह चित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है वार का शीर्ष, बी है कनिंघम, सी है गिलगेमिश, या है डी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। तो ये जो चित्र है इसका आंसर है ऑप्शन ए, वार का शीर्ष। ये चित्र वार का शीर्ष का है। इस चित्र में आपको एक स्त्री की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। ये मूर्ति उरुक नगर से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसमें एक स्त्री के सिर का चित्र है। ठीक है, इस चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पूरा जो उसका फेस है, जो उसकी आंखें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाई गई हैं। ठीक है, इसमें जो ये स्त्री की जो आंखें हैं, इसको माना गया है कि वहाँ पे जो नीले लाजवर्द पत्थर हैं, जो सफ़ेद सीपियाँ वगैरह होती हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, उनसे बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसी मोती और ऐसे नीले लाजवर्द मेसोपोटामिया में मिलते भी नहीं थे। इनको दूर दूर की जगहों से लेकर, बाहर से लेकर आना पड़ता था। और ऐसे जो नीले लाजवर्द हैं और काली सीपियां हैं, ये मेसोपोटामिया में मिलती भी नहीं थी। इनको दूर दूर देशों से व्यापार के जरिए लेकर आया गया था। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था। वहाँ के राजा वगैरह काफ़ी संपत्तिशाली थे। ठीक है, जो बाहर से भी व्यापार से महंगी वस्तुएँ मंगाते थे। ठीक है, और ये मूर्ति विश्व प्रसिद्ध नमूना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। इसका जो सर है वो भी गहने पहनने के लिए बनाया गया था। इसके सिर पे, गालों पे, जो उसके मुख है, ठोड़ी है, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से इस मूर्ति में दिखाया गया था। ठीक है, तो ये जो मूर्ति है ये विश्व प्रसिद्ध नमूना है मेसोपोटामिया का, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इस मूर्ति से हमें मेसोपोटामिया के समृद्ध होने का भी पता चलता है। तो ठीक है बच्चों, लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र को आपको पहचानना है। ठीक है, यह किसका चित्र है? ऑप्शन है हमारे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का, बी गिलगेमिश का, सी अलेक्जेंडर का, या फिर एनमर्कर का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। ये जो चित्र है वो रोम के जो सम्राट थे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, उनका चित्र है। ठीक है, तो ये तो पहचानना बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र को पहचानिए। यहाँ पर देखिए, आपको चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये क्या बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है ये क्या है, एम्फोरा, घड़े, मर्तबान, या फिर बर्तन। तो ये कहलाते हैं एम्फोरा। ठीक है, आपने आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो एम्फोरा है, एम्फोरा का यूज़ हुआ करता था जो लिक्विड वगैरह होते हैं उनको लाने ले जाने में। ठीक है, व्यापार में जो शराब, अंगूरों से शराब बनाई जाती थी, जैतून का तेल बनाया जाता था, ऐसी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनका जब व्यापार किया जाता था स्पेन में, इटली में, इधर से उधर लाया ले जाया जाता था, तो उसके लिए इस प्रकार के कंटेनरों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, आपने देखा होगा ये घड़े जैसे, मटके जैसे होते थे, इसके अंदर लिक्विड भरकर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे हमें जैसे इस पेंटिंग में आप देखते हो, यहाँ पे हमें बहुत सारे जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको बहुत सारे ऐसी तरह के कंटेनर हमें एक ही जगह पर मिलते हैं। ठीक है, जिससे वो ये गेस कर पाते हैं कि इनका यूज़ किस लिए किया जाता होगा, ये जानने में वो सफल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चित्र दिया जा सकता है, तो आपको पहचानना होगा कि ये किस प्रकार के कंटेनर हैं। तो ये वो कंटेनर है जो स्पेन, इटली, रोम, इसमें यूज़ किए जाते थे लिक्विड के लिए। लिक्विड मींस जैतून का तेल, अंगूरी शराब, इनके व्यापार में इनका बहुत यूज़ हुआ करता था। ठीक है, इसमें उनको भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर लाया ले जाया जाता था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चित्र क्या दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे देखा होगा आपने, एक आपको एक कॉयल दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है हमारे मोहरे, सॉलिडस सिक्का यानी कि एक सोने का सिक्का होता है वो है ये, या फिर एक यंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉलिडस सिक्का है। हमने पढ़ा था अपने थर्ड चैप्टर में कि जो सॉलिडस सिक्का है ये सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन है उसने बनाया था, ये जो जारी किया था, और ये करीब 4.5 ग्राम का हुआ करता था, शुद्ध सोने का सिक्का, जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का शासक, रोम का सम्राट हुआ करता था, उसने ये जारी किया था, इसको सॉलिडस कहा जाता है। इस सिक्के को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तीन आकृति, तीन व्यक्तियों के चित्र हैं। एक सम्राट का चित्र है, ये है सम्राट हेरिक्लियस, ठीक है, और ये उसके दो पुत्रों का चित्र है, लॉन्ग कोट पहने हुए, लॉन्ग ड्रेस पहने हुए, ठीक है। इस तरीके से जो चित्र है राजाओं की, जो सम्राट की चित्र है, वो सॉलिडस सिक्के पे बनाए जाते थे, ठीक है, जिसमें सम्राट है, उसके पुत्र है, इस तरीके के चित्र दिखाए जाते थे, ये सिक्के उनकी पहचान हुआ करती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, बाजेंटाइन सिक्कों में अरबी इस्लामी सुधार किसने किए। ठीक है, जो हमने इससे पहले सॉलिडस सिक्का पढ़ा था वो बाजेंटाइन सिक्का था, ठीक है। समय के साथ साथ उन सिक्कों में किस तरीके से अरबी इस्लामी हमें सुधार देखने को मिलता है, जो अरबी इस्लामी जो उसमें विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाजेंटाइन सिक्कों में अरबी इस्लामी सुधार किसने किए, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए है पैगंबर मोहम्मद ने, ऑप्शन बी है अब्द अल मलिक ने, सी है उस्मान ने, या फिर डी है अली ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्द अल मलिक ने इसमें सुधार किए थे। अब तक बाजेंटाइन सिक्के ही प्रचलित थे, ठीक है, लेकिन जो अब्द अल मलिक द्वारा इन सिक्कों में सुधार किया गया था, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था उसमें सम्राट हेरिक्लियस उसके दो पुत्रों को दिखाया गया था, ठीक है, अब उसको चेंज करके अब देखो किस तरीके से बनाया गया। यहाँ पर देखो, इस चित्र में हमने देखा है कि इसमें खलीफा है, ठीक है, ये अब्द अल मलिक ने सुधार किए थे, ठीक है, इसमें खलीफा है और यहाँ पे चारों तरफ कुछ लिखा गया है, ठीक है, इस तरीके के सिक्के बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर से सुधार किया गया, ठीक है। अब इस्लाम में आप जानते हो उसमें किसी भी प्राणी या किसी पक्षी के जो चित्र है वो आप कहीं पे भी नहीं दिखा सकते हो, वो चित्र नहीं उकेर सकते हो आप सिक्कों पे या किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा जो उसके बाद जो और सिक्कों में सुधार किए गए, तो अरबी इस्लामी सिक्कों में ये देखा गया कि यहाँ पर अब किसी का भी चित्र नहीं देखने को मिलता है, बल्कि यहाँ पे जो कलमा है वो लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं है। इससे पहले जो हमारा ये वाला सिक्का था इसमें भी हमें एक प्राणी का चित्र दिखता है, और इससे पहले के जो हमें सिक्के हैं उसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन अब जो इसमें सुधार किए गए तो उसमें ये देखा हो, इसमें किसी भी प्राणी का चित्र देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये जो सिक्का है इसको दिनार कहा जाता था, तो इस सिक्के में हमें कलमा देखने को मिलता है। तो इस टाइप के सिक्के फिर प्रचलित होने लग गए, और इन सिक्कों में सुधार करने का जो श्रेय है वो जाता है अब्द अल मलिक को, जिसने बाजेंटाइन जो सिक्के थे, जो सॉलिडस हमने पढ़ा था, उसी में धीरे धीरे चेंजेस करके किस तरीके से उसमें अरबी इस्लामी जो रुख है वो लेकर आए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह चित्र क्या दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा हुमायूं का मकबरा, इंग्लैंड का हेवर दुर्ग, बेनेडिक्टीन मठ, या फिर लाल किला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है इंग्लैंड का हेवर दुर्ग। तो इस चित्र में दिखाया गया है इंग्लैंड का हेवर दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में किस स्थान को दिखाया गया है। आपको ये चित्र पहचानना है कि आखिर इस चित्र में क्या दिखाया गया है। ऑप्शन ए है बेनेडिक्टीन मठ, बी है लिपाक्षी मंदिर, सी है बुलंद दरवाजा, या फिर डी जंतर मंतर। तो ये जो चित्र है वो है बेनेडिक्टीन मठ का, जो कि कहाँ पर है, जो कि है इंग्लैंड में। ठीक है, आपने मठों के बारे में पढ़ा होगा, ये जो मठ होते थे यहाँ पर जो भिक्षु हुआ करते थे, वो भिक्षु आकर वहाँ पे रहा करते थे, और जो भी उनकी पूजा अर्चना इस तरीके के कार्य किया करते थे, और यहाँ पर भिक्षुओं के रहने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए थे जिनके अनुसार उनको रहना पड़ता था, और ये जो चित्र है वो इंग्लैंड में बेनेडिक्टिन मठ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र को पहचानिए तथा इसका नाम बताइए। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ये क्या है, जैन मंदिर है, जामा मस्जिद है, बौद्ध मठ है, या फिर सॉलिसबरी कैथीड्रल है जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये इंग्लैंड का जो सॉलिसबरी कैथीड्रल चर्च है, ये जो कैथीड्रल चर्च है ये नॉर्मल चर्च जैसे नहीं होते थे, ये उससे बड़े और विशालकाय हुआ करते थे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती तरीके से बनाया गया था। इस चर्च की खास बात ये थी कि इसको बहुत ही वेल प्लानिंग तरीके से बनाया गया था। ठीक है, इसकी एक एक चीज़ को बनाते हुए बहुत ध्यान रखा गया था। ठीक है,
ताकि जैसे मान लो इसका आंगन जो है, जो इसका प्रेयर जहाँ पे हर सब लोग इकट्ठे होकर प्रेयर वगैरह करते हैं, वो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जहाँ पे भीड़ आके आराम से प्रेयर वगैरह कर सके। उसके लिए वो बहुत बड़ा और इस तरीके से बनाया गया था कि अगर पादरी वहाँ पर जो भी बोलता है वो सभी पूरे हॉल में अच्छे तरीके से सुनाई दे, ठीक है। तो इस साउंड जो इफ़ेक्ट है इसका बहुत ध्यान रखा गया था इस चर्च को बनाने के लिए, ठीक है। इन अभिरंजित जो कांच की खिड़कियाँ होती थी, इस पर बाइबल की जो कहानियाँ थी उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं, जो चित्र हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो बनाए गए थे, ठीक है, ताकि जो इंसान पढ़ नहीं सकता है, बाइबल नहीं पढ़ सकता है, जिसको जानकारी नहीं है, वो भी इन चित्रों को देखकर उससे रिलेट कर सके कि बाइबल की कहानियों को उसमें क्या हुआ था, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही उसकी लाइटिंग वगैरह का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया था, ठीक है। तो ये वो चर्च थे जो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बड़े स्वरूप में उभरे। ये नॉर्मल चर्च जैसे नहीं थे, ये नॉर्मल चर्च से ज़्यादा विशालकाय हुआ करते थे और इनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में किस इमारत को दिखाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका डोम ऑफ रॉक, बी है मोती मस्जिद, सी है हुमायूं का मकबरा, या फिर है ये है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डोम ऑफ रॉक। इसको किसने बनवाया था, ये बनवाया था अब्द अल मलिक ने, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि जिन्होंने बाजेंटाइंस जो सिक्के हैं उसके अंदर सुधार करके उसमें उसको अरबी इस्लामी रुख दिया था, ठीक है। तो वही जो अब्द अल मलिक है उन्होंने ही ये इमारत बनवाई थी जिसको बोला जाता है डोम ऑफ रॉक। ये इमारत जेरूसलम में बनाई गई थी। इस इमारत को एक पत्थर के टीले पर बनाया गया है। ये इस्लामी वास्तुकला का बहुत अच्छा नमूना है। एक तरीके से ये जो इमारत है, ये जो जेरूसलम है, जो जेरूसलम में ये एक तरीके से मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म है उसके प्रतीक के रूप में ये इमारत बनाई गई है, ठीक है। किसके द्वारा, आप जरूर याद रखना कि डोम ऑफ रॉक बनाया गया है अब्द अल मलिक द्वारा। ये इस्लाम की दृष्टि से इतनी ज़्यादा पवित्र जो इमारतें मानी जाती है जितनी कि मक्का और मदीना। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मक्का और मदीना के बाद जो तीसरा पवित्र स्थल आता है वो डोम ऑफ रॉक है। तो डोम ऑफ रॉक जो है वो अब्द अल मलिक द्वारा बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो इमारत है वो पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर जो यात्रा थी उससे रिलेटेड है, उससे ये स्मारक जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो भी इम्पॉर्टेंट मेरे को क्वेश्चंस लगे वो मैंने आपको फर्स्ट टर्म के ये करवा दिए हैं। इनमें से कोई ना कोई चित्र आपको एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो चित्र हैं, ये आपकी बुक के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम्स में आपको हो सकता है कि ऑप्शंस ना दे, सिर्फ और सिर्फ चित्र दे दे, इस वजह से आपको इनके चित्र बिल्कुल याद होने चाहिए। आप हर एक चित्र को अच्छे तरीके से पहचान लो ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में चित्र दे दिया जाए तो आपको याद रहे कि ये चित्र किसका है और आप आराम से पहचान सको। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसी के साथ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इसके अलावा अगर आपने हमारे हिस्ट्री के और वीडियोस नहीं देखे हैं, 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के और वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दिया है, तो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये चाहे वो चित्र पर आधारित क्वेश्चंस हों या फिर आपके MCQs, सब आपके NCERT की बुक से बनाए गए हैं। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका सिलेबस है, वो कवर हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।